नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आप सभी के साथ एक बार फिर से जुड़ा हूँ प्लस वन की फिजिक्स को लेकर के। अपने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर अपने वृत्त तथा सूक्ष्म दूरियों के मापन के बारे में पढ़ रहे थे, और आज जो अपने पढ़ने वाले हैं कुछ एक उपकरणों के बारे में पढ़ने वाले हैं। उनमें से एक तो अपने आता है वर्नियर कैलिपर्स, और एक अपने आता है स्क्रू गेज। एक तो अपने वर्नियर कैलिपर्स है और एक अपने जो आता है वो आता है स्क्रू गेज। तो आज अपने इन दोनों उपकरणों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो अपना वर्नियर कैलिपर्स होता है और जो स्क्रू गेज होता है वो किस प्रकार से काम करता है और इसका अल्पतमांक वगैरह कितना होता है। तो सबसे पहले आपके जो बुक में टॉपिक दिया गया है वो ये दिया गया है कि वर्नियर कैलिपर्स एवं स्क्रू गेज का अल्पतमांक, ठीक है। यानी आपका जो टॉपिक दिया गया है उसके अंदर अल्पतमांक का जिक्र है, अल्पतमांक का जिक्र है कि यानी अपने ये जो दोनों टॉपिक दिए गए हैं ये मुख्य रूप से आपके इसीलिए दिए गए हैं कि आपको ये पता लग सके कि इन दोनों उपकरणों का अल्पतमांक कितना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने थोड़ी बात कर लेते हैं कि इन उपकरणों की अपने ज़रूरत क्यों पड़ी है। तो आप लोगों ने अब तक जो गणनाएँ की थी, जो दूरियाँ नापी थी, वो आप लोग नाप रहे थे एक स्केल से। आप क्या कर रहे थे, एक स्केल को काम में ले रहे थे। स्केल वही जो अपने सामान्य आप लोग काम में लेते हो, जो सामान्य स्केल आप लोग काम में लेते हो, तो इस प्रकार का एक स्केल होता है आपके पास में जिस पर जीरो से लेकर के आगे तक के पाठ्यांक लिखे हुए होते हैं। एक तरफ सेंटीमीटर लिखे हुए होते हैं, दूसरी तरफ इंच लिखे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये वही अपने पास में क्या है, एक स्केल है। आप लोग अब तक क्या कर रहे थे, इसी स्केल की सहायता से पाठ्यांक जो है वो नोट कर रहे थे। पर इसकी अगर अपने बात करें तो जैसे ये मान लिया कि अपने सेंटीमीटर वाली लाइन है, ये कौन सी लाइन है, ये वो लाइन है जो अपने को सेंटीमीटर दर्शा रही है। आप लोग जब किसी का पाठ्यांक याद करते थे तो ये जो खाने थे, जैसे एक और दो के बीच की बात करें, वैसे सभी की बात कर सकते हो आप, तो एक और दो के बीच का जो पार्ट है ये कितने पार्ट में डिवाइड था, ये 10 पार्ट में डिवाइड था। यानी अगर मैं इसे थोड़ा बड़ा करूँ यहाँ से सिर्फ इतने पार्ट को, तो ये मान लिया इस जगह अपना एक है और इस जगह कितना है, दो है। तो एक और दो के बीच का भाग जो है वो 10 पार्ट में अपने क्या था, डिवाइड था। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। इस प्रकार से ये कितने पार्ट में डिवाइड था, 10 पार्ट में डिवाइड था। लगभग इस जगह अगर अपनी बात करें तो 1.5 जो अपने को पाठ्यांक मिल रहा था। अब देखो, अपने कोई भी जब दूरी नापते थे, जैसे आपने इसको नापना शुरू किया तो आपने क्या किया, इसे यहाँ रखा, इस जगह रखा, तो आपने देखा कि इसका जो पाठ्यांक आ रहा है, अगर आप ये इतनी दूरी नापना चाहो या फिर इसके पूरे की लंबाई आप लोग ज्ञात करो इससे, तो आप क्या करोगे, इसे इस जगह रख दोगे, ठीक है। जैसे ही आप इसे यहाँ रखोगे तो आप लोग सबसे पहले इसे जीरो पर रखोगे। जैसे इस जगह इसकी क्या है, जीरो है, तो आपने यहाँ से इसका पाठ्यांक नोट किया और ये 4 और 5 के बीच में किसी जगह आ रहा है। कहाँ आ रहा है, ये 4 और 5 के बीच की कोई एक जगह आ रहा है। तो मैं यहाँ 4 लिख देता हूँ और यहाँ क्या लिख देता हूँ, 5 लिख देता हूँ, ठीक है। यानी कुछ ये इस प्रकार से अपने इससे नाप रहे हैं और 4 और 5 के बीच में क्या आ रहा है, इसका पाठ्यांक आ रहा है। अब देखो, 4 और 5 के बीच में जो जगह आ रही है वो मान लिया कुछ इस जगह आ रही है, ठीक है। कहाँ आ रही है, इस जगह आ रही है। ये जो लाइन है, यानी ये जो बीच वाली जगह है, ये लाइन है। तो आप लोग जब इसका पाठ्यांक नोट करते हो तो आप लोग बोलते हो 4.1, 4.2 और 4.3, यहाँ से आपने इसका पाठ्यांक कितना बता दिया, 4.3 बता दिया। अब अगर ये पूर्ण रूप से न तो 4.3 पर होता ना 4.4 पर होता, तो आप क्या करते, या तो इसे 4.3 लिख देते या आप इसे 4.4 लिख देते। पर ये तो चलो बड़ा बना दिया है, पर आपके पास में जो स्केल है उसमें आप लोग देख सकते हो कि ये जो बीच के पाठ्यांक हैं, जैसे 4 और 5 के बीच, 1 और 2 के बीच, यानी इन दोनों के बीच में जो पाठ्यांक होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि अपने पूर्ण रूप से उसे डिवाइड नहीं कर सकते कि ये 4.3 है, ये 4.4 है। तो जैसे 4 और 3 के बीच में कोई पाठ्यांक आ गया तो या तो आप लोग उसे 4.3 लिख देते हो या आप क्या कर देते हो, इसे 4.4 लिख देते हो। पर पूर्ण रूप से, बिल्कुल सही रूप से अपने नहीं बता सकते कि ये पाठ्यांक है कितना। अब देखो, दिक्कत ये नहीं है कि अपने ये नहीं
बता रहा है कि ये 4.3 है, ये 4.4 है, ये पाठ्यांक जो है न तो 4.3 है और न ही ये 4.4 है। ये जो आपके पास में पाठ्यांक यहाँ प्राप्त हो रहा है, ये 4.3 और 4.4 के बीच का कोई एक पाठ्यांक है, यानी 4.3 और 4.20 का ये जो खाना है, ये वाला जो खाना है, ये खाना अपने को ये डिवाइड करना था, और अपना जो स्केल है वो इसे डिवाइड नहीं कर पा रहा है कि 4.3 और 4.4 के बीच में जो संख्याएं आ रही है उन संख्याओं के अंदर इसका पाठ्यांक जो है वो कितना है। अब ये काम करने के लिए अपने किसे काम में लेते हैं, ये काम करने के लिए अपने इस यहाँ पर वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज को काम में लेते हैं। अपने सामान्य जो दूरियाँ पढ़ते हैं, जो लंबाइयाँ लेते हैं, उनके अंदर तो इतना फर्क नहीं पड़ता 4.3 4.4 पर। अपने पास में कुछ धातुएँ या कुछ तार इस प्रकार के होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, जिनका मिलना बहुत मुश्किल होता है। अगर उनकी लंबाई अपने इनके बीच से, जैसे 4.3 को 4.4 नाप दिया तो 0.1 0.1 करते करते अगर काफ़ी ज़्यादा लंबाई का अपने को तार लेना हो तो लंबाई जो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो काफ़ी ज़्यादा अपने महंगी पड़ती है। तो इसलिए अपने क्या होता है कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो भी अपना नापना ज़रूरी होता है। इसके लिए क्या काम में लिया जाता है, इसके लिए काम में लिया जाता है वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज। ठीक है, क्या काम में लिया जाता है, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज को काम में लिया जाता है। जो सबसे पहले अपने बात करेंगे वो अपने बात करेंगे वर्नियर कैलिपर्स की। किसकी बात करेंगे, वर्नियर कैलिपर्स की बात करेंगे। वर्नियर कैलिपर्स क्या करता है, वर्नियर कैलिपर्स ये जो बीच का पार्ट अपने ले रखा है, इस बीच के पार्ट को भी कितने भागों में बांट देता है, 10 भागों में बांट देता है। ठीक है, यानी इसका जो सामान्य जो अपने स्केल था, जैसे ये स्केल था, तो इसका तो अल्पतमांक आपने देख लिया कितना है, 0.1 है। ये देखो 0.1 0.2 0.3 0.4, ये सब जुड़ करके ये एक बनता है, जिससे ये 4 से 5 सेंटीमीटर हो जाता है। यानी 4 और 5 के बीच में 0.1 कितनी बार आता है, 10 बार आता है। इनको जोड़ने से ये 4 से क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। पर जो अपने वर्नियर स्केल होता है ये क्या करता है, ये जो बीच के पार्ट है इनको भी कितने पार्ट में तोड़ देता है, 10 पार्ट में तोड़ देता है। ठीक है, यानी इसका जो अल्पतमांक आप लोग ज्ञात करोगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा 0.01। कितना आएगा, 0.01 आएगा। देखो सामान्य स्केल का 0.1 सेंटीमीटर अल्पतमांक था और इसका अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर होता है। अब मैं एक बात बार बार बोल रहा हूँ, वो है अल्पतमांक। तो सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि अल्पतमांक क्या होता है। अल्पतमांक का मतलब होता है किसी उपकरण के द्वारा नापा जा सकने वाला छोटा से छोटा नाप क्या कहलाता है, अल्पतमांक कहलाता है। जैसे स्केल की बात कर रहे थे, स्केल से आप सबसे छोटी दूरी क्या नाप सकते हो, ये जो स्केल है आप देख सकते हो कि जैसे 0 और 1 के बीच में 10 पार्ट में डिवाइड है, आप क्या क्या पाठ्यांक लिख सकते हो, आप 1 लिख सकते हो, 0.9 लिख सकते हो, 0.8 लिख सकते हो, 0.7 लिख सकते हो। इनमें सबसे छोटा पाठ्यांक आप लोग क्या लिख सकते हो, 0.1 लिख सकते हो। तो सामान्य स्केल का अल्पतमांक कितना है, 0.1 सेंटीमीटर, पर वर्नियर का अल्पतमांक कितना है, 0.01 सेंटीमीटर होता है। यानी वर्नियर से जब आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ इसके आगे संख्याएं जुड़ती जाएगी। यानी वर्नियर क्या करेगा, ये 4.3 और 4.4 के बीच में जो अपने समस्या आ रही थी इसे कुछ इस प्रकार से हल कर देगा, 4.31 4.32 4.33 4.34 4.35 और ऐसे करते करते अपने पास में क्या आ जाएगा, अपने पास में आ जाए 4.39 और 4.40। ठीक है, तो सामान्य स्केल तो क्या कर रहा था, सामान्य स्केल अपने को सिर्फ इस साइड वाले पाठ्यांक को बता रहा था, ये पाठ्यांक बता रहा था, और वर्नियर ने क्या कर दिया, इन पाठ्यांकों को भी बता दिया। ठीक है, वर्नियर ने क्या किया है, वर्नियर ने ये जो अपने 4.3 और 4.4 के बीच का पाठ्यांक था इसे भी 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। यानी ये पाठ्यांक जो है इसकी बताने की क्षमता कहाँ तक बढ़ गई, 4.31 4.32 4.43 4.34 4.35, और इस प्रकार से अपने क्या कर सकते हैं, वर्नियर से पाठ्यांक नाप सकते हैं। आई बात समझे, स्क्रू गेज की बात इसके बाद में अपने कर लेंगे जब अपने स्क्रू गेज को पढ़ेंगे। ये अपने बात थी अब तक सामान्य स्केल की और वर्नियर स्केल की। ठीक है, अब अपना टॉपिक जो है वो अपने शुरू करते हैं। ये बेसिक परिचय था कि अपने इन्हें क्यों पढ़ रहे हैं और ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले अपने टॉपिक को अपने शुरू करते हैं अल्पतमांक से, कि अल्पतमांक जो है वो क्या होता है। अल्पतमांक, अल्पतमांक, अल्पतमांक का मतलब होता है, अल्पतमांक का मतलब होता है किसी उपकरण के द्वारा, उपकरण के द्वारा मापा जा सकने वाला न्यूनतम मान,
न्यूनतम मान क्या कहलाता है? अल्पत मांग कहलाता है। किसी उपकरण द्वारा मापा जा सकने वाला न्यूनतम मान क्या कहलाता है? अल्पत मांग कहलाता है। जैसे सामान्य स्केल है, उससे आप छोटी से छोटी लंबाई जो वो कितनी नाप सकते हो, 0.1 सेंटीमीटर नाप सकते हो। अगर सामान्य स्केल से आपको बोल दे कि 0.1 से छोटी नापो, तो सामान्य स्केल से आप 0.01, 0.02 ऐसी दूरियाँ नहीं नाप सकते। सामान्य स्केल से या तो आप 4.3 ही लिखोगे या 4.4 लिखोगे, इसके बीच का पठ्यांक आप लोग नहीं लिख पाओगे। या फिर कोई भी पठ्यांक आप एग्जांपल ले सकते हो, ये तो एक एग्जांपल है सामान्य स्केल का। जैसे अगर आपने बात की कि आप 2.1 नाप सकते हो, 2.2 नाप सकते हो, इसके बीच का पठ्यांक जो है वो आप लोग नहीं नाप सकते। तो ये छोटी से छोटी जो पठ्यांक नाप सकते हैं, तो सामान्य स्केल जो नापता है वो कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो वह छोटी से छोटी माप जो किसी उपकरण के द्वारा नापी जा सकती है क्या कहलाती है? अल्पत मांग कहलाती है। इतनी बात समझ में आई। अब अपने बात कर लेते हैं वर्नियर कैलिपर्स की। वर्नियर एक वैज्ञानिक का नाम है। वर्नियर कैलिपर्स, तो वर्नियर जो है वो एक वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, पियरे वर्नियर नाम था इसका, पियरे वर्नियर। तो वर्नियर क्या है? एक वैज्ञानिक का नाम है। वर्नियर नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया कि जो अपने सामान्य स्केल नाप रहा था 0.1 सेंटीमीटर, उसको बढ़ा करके, यानी वो बड़ी दूरियों को नाप रहा था, उसे छोटी दूरियों को भी मापने के लिए एक पैमाना बनाया, जिसे अपने क्या बोलते हैं? वर्नियर कैलिपर्स बोलते हैं। ठीक है, देखो अपने पास में क्या होता है? एक सामान्य स्केल होता है। जैसे अगर बनाए अपने इसे, तो इस प्रकार से अपने पास में क्या होता है? एक सामान्य स्केल होता है। ये वही सामान्य स्केल है जो आप लोग आज तक काम में लेते आए हो। तो अपने पास में एक सामान्य स्केल होता है जिस पर पाठ्यांक लिखे हुए होते हैं। जैसे इस जगह से अगर मैं शुरू करूं, तो इस प्रकार से इस पर क्या है? पाठ्यांक लिखे हुए होते हैं। एक तरफ सेंटीमीटर होते हैं, दूसरी तरफ इंच लिखे हुए होते हैं। ये मान रहे हैं कि सेंटीमीटर वाली लाइन है, क्योंकि बोर्ड पर बड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसलिए सेंटीमीटर मान लेते हैं इसे। तो ये अपने पास में इस प्रकार से क्या है? एक सामान्य स्केल है। ये 10 पार्ट में डिवाइड होता है, आप सभी को पता ही है। तो ये अपने पास में एक सामान्य स्केल होता है। वर्नियर ने क्या किया? एक इसके ऊपर खिसकने वाला पैमाना लगा दिया। यानी उसने क्या किया? एक अलग से पैमाना लिया। जैसे इस प्रकार का उसने क्या किया? एक अलग से पैमाना लिया, एक बॉक्स आकार का पैमाना लिया, और इस प्रकार का उसने एक स्केल लिया जो कि 10 पार्ट में अपने डिवाइड था। ठीक है, इस प्रकार से ये डिवाइड था। इसको उठा करके इसने क्या कर दिया? इसके ऊपर लगा दिया। तो अब ये जो स्केल बनता है, ये कौन सा स्केल बन जाता है? वर्नियर स्केल बन जाता है। यानी ये अपना सामान्य स्केल हो गया, और ये जो स्केल है ये कौन सा स्केल है? वर्नियर स्केल है। तो सामान्य स्केल को और वर्नियर स्केल को इसने क्या कर दिया? आपस में जोड़ दिया। तो ये कुछ इस प्रकार से दिखने लग जाएगा अगर इन दोनों को अपने आपस में जोड़ दें। तो कुछ इस तरीके से अपने को ये दिखना शुरू हो जाएगा। ये अपने क्या बन गया? ये अपने वर्नियर स्केल बन गया, जिस पर इस तरीके से पाठ्यांक लिखे हुए होते हैं। इस प्रकार से इस पर क्या लिखे होते हैं? पाठ्यांक जो है वो लिखे हुए होते हैं। ये इतना नीचे होता है कि नीचे वाले पाठ्यांक जो है ना, अपने साथ के साथ दिखाई देने लगते हैं। इसमें ये जो नीचे 2 वगैरह लिखे हुए थे ना, वो अपने स्केल के अंदर से दिखाई देते हैं। ये जैसे इस जगह 2, इस जगह अपने 3, और ये अपने इसके बीच में दिखाई देते हैं। इस पर भी खाने बने हुए होते हैं, 10 खाने बने हुए होते हैं इस प्रकार से। तो ये अपने कौन सा स्केल बन गया? वर्नियर स्केल बन गया। अब आगे इस पर क्या होता है कि वर्नियर
स्केल बना दिया आपने, सीधे स्केल को जोड़ करके उस पर क्या लगा दिया, एक खिसकने वाला पैमाना लगा दिया, एक ऐसा पैमाना जो क्या हो सकता है आगे पीछे खिसक सकता है, वो आपने क्या कर दिया इसके ऊपर लगा दिया। अब आगे उसने क्या किया, आगे उसने इसके ऊपर कैलिपर्स को जोड़ दिया, यानी जो जबड़े होते हैं एक प्रकार की जबड़े जैसी आकृति होती है उनको इसके साथ में जोड़ दिया, जिससे ये क्या बन जाता है, जिससे ये वर्नियर कैलिपर्स बन जाता है, यानी इसके ऊपर उसने क्या लगा दिया, इस तरीके से कैलिपर्स लगा दिए। इस प्रकार से उसने क्या कर दिया, यहाँ पर इसके कैलिपर्स जोड़ दिए। अब ये जो बन गया है ये क्या है, अब ये अपने पास में वर्नियर कैलिपर्स कहलाता है। अब ये जो उपकरण आपके सामने बना हुआ है यही क्या है, यही वर्नियर कैलिपर्स है, ठीक है। इस प्रकार की इसकी आकृति होती है, किसी मेटल का बना हुआ होता है ये, यहाँ भी इसके एक स्केल लगा हुआ होता है, स्केल नहीं ये कैलिपर्स लगे होते हैं कुछ इस तरीके से, और इस जगह भी लगे हुए होते हैं बिल्कुल इसी के आकार के। ये बड़ा पार्ट, ये जो आपके सामने उपकरण आपको दिखाई दे रहा है ये क्या कहलाता है, ये उपकरण अपने कहलाता है वर्नियर कैलिपर्स, और इसके यहाँ भी एक लगा हुआ होता है, यूज़ की बात करेंगे क्यों लगा हुआ होता है, ये एक लोहे की छड़ लगी होती है नीचे इस जगह। तो ये जो अपना उपकरण बन गया है ये क्या है, वर्नियर कैलिपर्स है, ठीक है। आप इसे थोड़ा और बढ़िया बना सकते हो, जैसे यदि इसे थोड़ा सा छोटा बना देते ना तो डायग्राम काफ़ी बढ़िया दिखने लग जाता आपको, और इसे थोड़ा बड़ा बना देते तो स्केल की सहायता से जब आप लोग इसे बनाओगे तो काफ़ी बढ़िया डायग्राम इसका बन जाएगा। मैंने इसलिए बना दिया है कि वैसे तो बुक में काफ़ी बढ़िया बना हुआ है ये, मैंने आपके सामने इसलिए बना दिया है कि जब आपको बनाना पड़ जाए तो आप इस वीडियो को पीछे करके देख लेना कि किस प्रकार से ये डायग्राम आपको बनाना है। एक सीधा स्केल होता है, उसके ऊपर वर्नियर स्केल लगा होता है, और वर्नियर स्केल के साथ में क्या जोड़ा जाता है, कैलिपर्स को जोड़ा जाता है, और कैलिपर्स जोड़ने पर ये जो स्केल बनता है इसी को अपने क्या कहते हैं, इसी को अपने वर्नियर कैलिपर्स कहते हैं, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। हालांकि आपकी जो बुक में टॉपिक दे रखा है उसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि वर्नियर कैलिपर्स एवं स्क्रू गेज का अल्पतमांक, ठीक है। तो अपने बात कर लेते हैं कि ये काम कैसे करता है, तो ये तो अपना सामान्य स्केल हो ही गया। आपको जब किसी भी दूरी को ज्ञात करना हो, जैसे आपको किसी गोले का व्यास ज्ञात करना हो या किसी की आपको गहराई ज्ञात करनी हो, ये गहराई ज्ञात करने के लिए काम में आता है। जैसे इसी की बात कर लेते हैं, ये अपने पास में क्या है, इस मार्कर का ढक्कन है, ठीक है। यदि आपको इसके बाहर की जो, इसके बाहर की जो व्यास है, यानी व्यास इसके दो हो गए, जैसे सामने से रखूं ये कुछ इस तरीके से हो गया ये बड़ा, तो एक तो ये हो गया कि आप इसे बिल्कुल बाहर की ओर से नापो तो ये दूरी भी इसमें साथ में जुड़ जाएगी। एक आप लोग इसे सिर्फ अंदर की ओर से नापो तो अंदर की ओर से नापोगे तो ये सिर्फ इतना बताएगा। तो जब आपको इसके बाहर की साइड से व्यास इसका ज्ञात करना हो, जैसे इसका व्यास ज्ञात करना हो गया या किसी ठोस गेंद वगैरह का आपको व्यास ज्ञात करना हो, तो अपने सबसे पहले क्या करते हैं, उस गेंद को इसके बीच में रख देते हैं, ठीक है। इस गेंद को अपने कहाँ रख देते हैं, इसके बीच में रख देते हैं इस तरीके से, ठीक है। और इसके साथ में स्क्रू लगे हुए होते हैं इस तरीके से, इसके साथ में क्या लगे हुए होते हैं, स्क्रू लगे हुए होते हैं इस जगह, और ऊपर की ओर भी स्क्रू लगे हुए होते हैं। इन स्क्रू की सहायता से इसको क्या किया जाता है, आगे पीछे खिसकाया जा सकता है, ठीक है। इन स्क्रू को अगर आप ढीला कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, आगे पीछे खिसकना शुरू हो जाएगा। वैसे आप लोग एक काम और कर सकते हो, आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हो कि वर्नियर कैलिपर्स जो है वो रियल में किस प्रकार का होता है, क्योंकि ये तो एक रेखीय डायग्राम इसका बना हुआ है। आप सर्च करके देख लेना वर्नियर कैलिपर्स को, आपको रियल डायग्राम जो है इसका दिखने लग जाएगा, ठीक है। एक स्टील का उपकरण होता है, तो यहाँ अपने क्या करते हैं, किसी बॉल को इसके बीच में रख देते हैं और इस स्क्रू की सहायता से इसे क्या करते हैं, आगे पीछे खिसकाते हैं, और इतना खिसकाते हैं कि ये बिल्कुल इसके अंदर टाइट आ जाए, ठीक है। ना तो इतना ढीला रखना है कि ये नीचे गिर जाए, ना इतना ज़्यादा कसना है कि ये वर्नियर्स के जो कैलिपर्स है इसके अंदर चले जाए। आपको ठीक ठाक इसके अंदर क्या करना है, इसे सेट कर देना है। इससे क्या होगा, इससे आपको ये जो स्केल है, एक तो आपको इसी के अंदर जब आप लोग बात करोगे तो आपको क्या करना होगा, जैसे इसकी सहायता से मैं आपको बता देता हूँ कि स्केल को अपने नोट कैसे करते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि मेन स्केल जो होता है, जैसे ये आपका मेन स्केल है,
ठीक है, इस पर पाठ्यांक बनी है 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये जो नीचे वाला स्केल है जो आपको दिख रहा है 2, 3, 4, 5, जैसे ये वाला स्केल है, इसके ऊपर आपको ये छोटी छोटी लाइनें वर्नियर्स की भी साथ में मिलती हुई दिखाई देगी। तो जैसे ही फर्स्ट जो लाइन है, इस वर्नियर की जो फर्स्ट लाइन है, ये वाली लाइन है, ये आपको सामने जो लिखा हुआ है ये एक या दो के बीच में या दो या तीन के बीच में आपको मिली हुई दिखाई देगी। यानी जैसे ही आपने इसके बीच में इसे कसा ना, तो इसके अंदर ये जो फर्स्ट लाइन है, ये फर्स्ट लाइन आपको या तो इस इन दोनों के बीच में मिलेगी या इन दोनों के बीच में मिलेगी, कहीं ना कहीं मेन स्केल पर ये लाइन आपको किसी के बीच में आपको दिखाई देगी। जैसे मान लिया कि ये लाइन आपको कहाँ दिखाई दे रही है, ये लाइन आपको एक और दो के बीच में दिखाई दे रही है। तो मेन स्केल पर तो इसका पाठ्यांक कितना आ गया, एक आ गया। अब अपने पाठ्यांक जो बचता है वो कौन सा बचता है, अब अपने पाठ्यांक बचता है वर्नियर स्केल का पाठ्यांक, कि वर्नियर स्केल का पाठ्यांक कितना आएगा। तो ये देखो, यहाँ से आपको एक तो जो मैंने आपको पहले बताया था कि आप ऐसे तो ना पी सकते हो 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 7-8 और 1.9 और 2, इतना तो आप नाप सकते हो। तो जो आपका मेन स्केल है वो आपको इतना तो बता ही देगा कि ये 1.2 है या 1.3 है, ठीक है। तो इतना तो पाठ्यांक आप लोग इसके अंदर लिख दोगे। देखो, एक सामान्य तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जिससे प्रैक्टिकली अपने कैसे ज्ञात किया जाता है। तो अपने क्या करते हैं, इसे 1.2 लिख दिया और इसे अपने क्या कर दिया, 1.3 लिख दिया। या तो 1.2 होगा या 1.3 होगा या 1.4 होगा। जो अपने मेन स्केल से जो काम करते हैं ना, वो काम अपने क्या कर लिया, सबसे पहले कर लिया। अब देखो, इसकी जो ये लाइनें हैं, ये जो वर्नियर स्केल पर लाइनें मिली हुई है, ये लाइनें इस स्केल के बीच में जो बनी हुई है, 10 लाइनें इस स्केल के बीच में जो 10 लाइनें मिली हुई है, बनी हुई होती है, उनके बीच की लाइनों से ये लाइनें कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर क्या कर रही होगी, मिल रही होगी। जैसे या तो वो ये लाइन जो है ये मिल रही होगी या ये मिल रही होगी। यानी ये देखो, आप देख सकते हो ये यहाँ पर बना हुआ है, ये यहाँ पर बना हुआ है, ये यहाँ पर बना हुआ है, पर ये लाइन जो है ये देखो बिल्कुल इसकी लाइन और इस मेन स्केल की लाइन, दोनों लाइनें क्या कर रही है, एक दूसरे को टच कर रही है। जिस भी लाइन पर वो लाइन टच कर रही है, आपको वर्नियर की वो लाइन गिनने ली है। जैसे मान लिया कि वो कितने पर टच कर रही है, 4 पर कर रही है, 1, 2, 3, ये मान लिया कहाँ पर टच कर रही है, वो 4 पर टच कर रही है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1.3, 4 आ जाएगा। देखो, जब भी आपकी क्लास लगेगी तो आपको मैं प्रैक्टिकली ये वर्नियर ला करके बता दूंगा कि इसका पाठ्यांक जो कैसे नोट किया जाता है, ठीक है। या फिर आप गूगल पर सर्च करके पहले उपकरण के बारे में देख सकते हो कि ये उपकरण जो किस प्रकार का होता है, फिर आपके ये टॉपिक समझ में आएगा कि इसका पाठ्यांक अपने किस प्रकार से नोट कर रहे हैं। फिर से बता देता हूँ आपने क्या किया है, अपने ये जो बॉल है इसको इसके बीच में रख दिया, ठीक है। जैसे ही आपने बीच में रखा और वो कैलिपर्स के साथ में जो वर्नियर स्केल लगा उसे खिसका करके आपने सेट कर लिया, अब आपने क्या देखा कि ये जो आपका मेन स्केल है इसके ऊपर आपको पाठ्यांक दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिस सामान्य स्केल पर आप लोग पाठ्यांक देखते हो उसी प्रकार आपको पता लग जाएगा कि ये 1.2 है या 1.3 है या 1.4 है। आई बात सुनने, यानी आपको ये पता लग जाएगा कि ये 1.2 है या 1.3 है या इसके बीच का कोई एक पाठ्यांक है। जैसे मान लिया कि वो पाठ्यांक कितना है, 1.2 है। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में जो ये वाला स्केल है वर्नियर स्केल और जो मेन स्केल के बीच की 10 लाइनें, ये लाइनें एक दूसरे को कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक लाइन ऐसी होगी जो बिल्कुल एक दूसरे के सीध में होगी। यानी ये जो लाइन है, जैसे ये लाइन इस लाइन पर क्या कर रही हो, अगर मैच कर रही हो, जैसे ये चौथी लाइन अगर मैच कर रही हो, तो यहाँ आपको कितना लिख देना है, 4 लिख देना है, ठीक है। तो इस प्रकार अपने क्या करते हैं, वर्नियर की सहायता से पाठ्यांक जो है वो नोट करते हैं। दूसरा, अपने और क्या काम कर सकते हैं इसकी सहायता से, इसकी सहायता से आप लोग जैसे अंदर का आपको व्यास ज्ञात करना होता, तो ये तो काफ़ी बड़ा बना दिया है मैंने यहाँ पर इसको, तो आप क्या करते हैं इसके अंदर लगा देते इसे। जैसे कोई डिब्बा वगैरह है नहीं यहाँ पर होता तो मैं आपको बता देता, तो आप क्या करते हैं, एक तो जैसे कोई एक डिब्बा है आपके पास में, ये मान लो ये कोई एक डिब्बा है, ठीक है, डस्टर है ये, अगर ये कोई एक डिब्बा है तो एक तो आप क्या कर देते हैं इसके बीच में रख देते इसे, तो इसका पाठ्यांक नोट हो जाता। अगर ये थोड़ा बड़ा होता, ठीक है, और अंदर से क्या होता, खोखला होता है, जैसे अपने कोई कप वगैरह हो गया उसका यदि आपको व्यास ज्ञात करना हो, जैसे कप का आपको क्या करना है, व्यास ज्ञात करना है, तो आप कप के बाहर तो उसे सेट नहीं कर पाओगे, पर आप क्या कर सकते हो, कप को इसके अंदर डाल सकते हो। यानी कप जो है वो कुछ इस प्रकार से क्या होगा, इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, उस कप को इसके अंदर डाल सकते हो, ठीक है, जिससे
इसके कप के अंदर डालने के बाद में आप क्या करोगे, इसे थोड़ा साइड में खिसका करके और इसे बिल्कुल सही सेट कर लोगे कि ना तो ये ज़्यादा टाइट हो और ना ज़्यादा ढीला हो। उससे क्या होगा, उससे आपकी बिल्कुल सही पठ्यांक इस पर आपको दिखाई देगी और आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल उसी तरीके से पठ्यांक ज्ञात कर सकते हो जिस तरीके से यहाँ पर आपने पठ्यांक ज्ञात किया था। दूसरा, आपको गहराई ज्ञात करनी हो। जैसे ये मार्कर का ढक्कन है, आपको ये पता लगाना हो कि ये जो मार्कर है इसका ढक्कन जो है वो कितना ज़्यादा गहरा है। तो गहराई का पता लगाने के लिए आप लोग क्या करोगे, इसके अंदर ये जो आपको इस तरफ दिखाई दे रही है, ये जो एक किलनुमा आकृति आपको दिखाई दे रही है, इसको आप क्या करोगे, इसके अंदर डाल दोगे। ठीक है, जैसे ही आप लोग इसे इसके अंदर डालोगे तो जितना ये इसके अंदर बिल्कुल सही जा रहा है वहाँ तक इसे ले जाओगे और इसकी सहायता से जैसे ही आप लोग इसे आगे पीछे खिसकाओगे ये भी आगे पीछे खिसकना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इसे इतना बार रखना है जिससे ये इसके बिल्कुल पूरे अंदर तक चली जाए, इसकी जो तल है उसको टच कर जाए और आपको यहाँ पर क्या करना है, जो पठ्यांक आएगा वो फिर से नोट कर लेना है। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, जैसे किसी सिक्के वगैरह का व्यास ज्ञात करना हो आपको इसके अंदर रख दोगे, किसी बॉल का व्यास ज्ञात करना हो इसके अंदर रख दोगे, ये मार्कर है, मार्कर का ढक्कन है, अगर बार का व्यास ज्ञात करना हो इसके अंदर रख दोगे, या जैसे इसको अंदर रख दिया, अगर आपको कोई खोखली आकृति जो है उसके अंदर की आपको व्यास जो है उसको ज्ञात करना हो, जैसे कप हो गया, गिलास हो गया, उसके अंदर की जो व्यास है उसको अगर आपको ज्ञात करना हो तो इसके अंदर आप इसे डाल दोगे। ठीक है, काफ़ी छोटा उपकरण होता है, इतना बड़ा भी नहीं होता ये, तो इसके अंदर आप लोग डाल दोगे जिससे आपको उसकी जो है अंदर की व्यास जो आप ज्ञात कर सकते हो। अगर गहराई ज्ञात करनी हो तो स्केल की सहायता से आप लोग क्या कर सकते हो, गहराई भी ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ एक आपको बता देता हूँ अल्पतमांक कि वर्नियर कैलिपर्स जो है इसका अल्पतमांक कितना होता है, दो तीन बार बता दिए वैसे अभी मैंने आपको। तो वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक अगर देखा जाए तो वो अल्पतमांक होता है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना होता है 0.01 सेंटीमीटर, कितना होता है 0.01 सेंटीमीटर। सामान्य स्केल का 0.1 सेंटीमीटर और वर्नियर स्केल का 0.01 सेंटीमीटर क्या होता है, अल्पतमांक होता है। वर्नियर का अल्पतमांक अगर आपको ज्ञात करना हो तो इसके लिए अपने एक फॉर्मूला काम में लेते हैं, वो होता है मुख्य स्केल का न्यूनतम पाठ्यांक और भाग के अंदर अपने लिख देते हैं वर्नियर स्केल जो है, वर्नियर स्केल या वर्नियर कैलिपर्स पर खानों की संख्या, पर खानों की संख्या। ठीक है, वर्नियर स्केल बोलते हैं, वर्नियर स्केल इसे, वर्नियर स्केल पर खानों की संख्या। ठीक है, कैलिपर्स तो ये जो जड़े हुए हैं ना, जबड़े जैसी आकृति आपने बनी हुई है उनको कैलिपर्स बोलते हैं अपने। तो वर्नियर स्केल पर खानों की संख्या, ये मैंने आपको बताया कि जो मुख्य स्केल होता है वो तो वही होता है जो आप लोग हमेशा काम में लेते आए हो, तो उसका न्यूनतम पठ्यांक कितना होता है 0.1 होता है और वर्नियर पर खानों की संख्या कितनी होती है 10 होती है। जब आप इसका इसमें भाग दोगे तो कितना आएगा 0.01 सेंटीमीटर आएगा। तो वर्नियर स्केल जो है इसका अगर आप लोगों से पूछा जाए कि अल्पतमांक कितना होता है तो इसका अल्पतमांक आप लोग कितना बताओगे 0.01 सेंटीमीटर बताओगे। तो अब आपको बता देता हूँ कि टॉपिक में आपको याद क्या रखना है, एक तो आपको सबसे पहले वर्नियर कैलिपर्स जो है उसके अंदर आपको अल्पतमांक याद रखना है कि अल्पतमांक क्या होता है, अल्पतमांक किसी उपकरण द्वारा मापा जा सकने वाला न्यूनतम माप होता है, उसे अपने क्या बोलते हैं, अल्पतमांक बोलते हैं। वर्नियर कैलिपर्स की अगर बात करेंगे तो वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक कितना होगा 0.01 सेंटीमीटर होगा। कैसे ज्ञात करते हैं, फॉर्मूला मुख्य स्केल का न्यूनतम पठ्यांक और बाद में क्या लिखोगे, वर्नियर स्केल पर खानों की संख्या। ठीक है, तो मुख्य स्केल का न्यूनतम पठ्यांक 0.1 और ये जो है वर्नियर स्केल इस पर खानों की संख्या 10 है, तो इससे जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा 0.01 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाता है, वर्नियर स्केल का अल्पतमांक आ जाता है। और यहाँ की अगर बात करें तो इसके ऊपर ये तो आपका मेन स्केल है, मेन स्केल एम से जिसे लिखते हैं, एम का मतलब मेन स्केल हो गया, और ये जो है यहाँ पर ये वर्नियर स्केल है और ये इसके स्क्रू है, इन्हें आप ए बी सी और डी नाम लिख सकते हो इसका, और इसका नाम आप लोग ई लिख सकते हो। ठीक है, और ये ए और बी जो है, सी और डी जो है, ये इसके क्या है, कैलिपर्स है या जो जबड़ी है वह है, और ई जो है वो एक किलनुमा आकृति है जो अपने गहराई ज्ञात करने के लिए काम में ली जाती है, और ये जो दोनों है ये यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, स्क्रू लगे हुए हैं, स्क्रू की सहायता से अपने इसे टाइट या ढीला कर सकते हैं जिससे ये आगे पीछे खिसक सकता है। तो ये देखो, यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो इसका पार्ट है, ये जो सामने पार्ट बना हुआ है, ये पार्ट इसका स्थिर रहता है।
ठीक है, ये जो भाग है ये क्या रहता है, स्थिर रहता है। ये जो पार्ट है, जो डी और बी वाला पार्ट है, सिर्फ ये गति करता है, ये नहीं है कि आप दोनों को आगे पीछे खिसका सकते हो। ये पार्ट मेन स्केल के साथ में जुड़ा हुआ होता है, जो स्टील नुमा आपके पास में उपकरण है उसके साथ में ये हमेशा जुड़ा रहता है, ठीक है। और ये जो पार्ट है इसको आप क्या कर सकते हो, आगे पीछे खिसका सकते हो। तो आप कोई भी उपकरण लो, जैसे कोई भी आपने वस्तु ली उसको इसके अंदर रखा, ये तो स्थिर रहेगा, और इसको आप लोग क्या कर लोगे, आगे पीछे खिसका लोगे। जैसे ही ये बिल्कुल सही जगह सेट हो जाए, आप लोगों को यहाँ से क्या कर लेना है, पाठ्यांक जो है वो नोट कर लेना है। तो सामान्य पाठ्यांक तो आप लोग मुख्य स्केल से नोट कर ही लोगे, और जो बचा हुआ पाठ्यांक है वो आप लोग कहाँ से लोगे, वो आप वर्नियर कैलिपर्स जो है उसकी सहायता से नोट करोगे। तो अब अपने आगे जो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, वो अपने पढ़ेंगे पेच मापी के बारे में। पेच मापी या अपने जिसे बोलते हैं स्क्रू गेज, पेच मापी या स्क्रू गेज जो है वो इससे आगे की बात बताते हैं। जैसे यहाँ आप लोग पाठ्यांक ज्ञात कर रहे थे, जैसे मेन स्केल जो है उससे आपने 2.3 ज्ञात किया, पर वर्नियर से आपने कितना ज्ञात कर लिया, इस प्रकार का ज्ञात कर लिया, इस प्रकार से आपने ज्ञात कर लिया, और आगे जाकर के ये 2.3